दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की हिंसा के दौरान चांद बाग इलाके में हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले और डीएसपी अमित शर्मा पर हुए हमले में शामिल 6 महिलाओं की पहचान कर ली है, जिन्हें जल्द ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। संभव है कि पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तारियां भी की जाए। क्राइम ब्रांच की एसआईटी की टीम के हाथ महिलाओं के खिलाफ अहम सबूत लगे हैं। महिलाओं के ठिकानों पर रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि करीब 70 से 80 महिलाएं चांदबाग इलाके में घटना के वक्त मौजूद दिखी हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया था, क्योंकि अधिकतर महिलाओं ने बुरखे पहन रखे थे, इसलिए उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मौके से मिले वीडियो फुटेज और सर्विलांस के जरिए 6 महिलाओं की पहचान कर ली गई है, जिन्हें लेकर पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। दिल्ली हिंसा में पहली बार महिलाओं की भूमिका सामने आई है। वीडियो भी आई है जिस पर एसपी अनुज ने कहा था कि कई महिलाएं थी। वहीं हिंसा में घायल हुए डीएसपी अमित शर्मा की पत्नी ने भी कहा था कि उनके पति अमित शर्मा पर महिलाओं ने भी हमला किया था। आपको बता दें कि सीएए समर्थक और विरोधियों के बीच हुई इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि दंगों के बाद 700 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने किसी को भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि 12 थानों के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त किए गए हैं। शाह ने कहा कि 2647 लोगों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि 1922 चेहरों एवं व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। दंगा करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म या पार्टी का होगा, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.